गाइस वेलकम टू माय चैनल डीवी ब्यूटी पॉइंट। तो कैसे हैं सब लोग। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक अमेजिंग सा फेस पैक जिसको लगा के आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग, बहुत ही ज़्यादा शाइनी नज़र आएगी और इसको लगा के आपको इंस्टेंट ग्लो मिलने वाला है। तो इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं वो आपको घर में इजीली मिल जाएंगे, आपके किचन में ही अवेलेबल है। आपको कहीं नहीं जाना, बाहर से कुछ भी नहीं लाना है, बस अपने किचन में जाना है और दो चार इंग्रेडिएंट्स आपको लेना है, मिक्स करना है और अपने फेस पे अप्लाई करना है और उसके बाद जो रिज़ल्ट मिलने वाला है ना, बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट आने वाला है। तो मैं आपको बताती हूँ फेस पैक कैसे बनाना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए 1 टेबल स्पून बेसन, चुटकी भर हल्दी और 1 टेबल स्पून हनी। इसको हम मिक्स कर लेंगे और जो ग्लोइंग इफ़ेक्ट के लिए हमें चाहिए 1 टेबल स्पून सैंडलवुड पाउडर। तो सैंडलवुड पाउडर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारी स्किन को ब्राइट करेगा। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका पेस्ट बनाने के लिए हम लेंगे मिल्क। यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चंदन के फ़ायदे बहुत है, ये आपको सनटैन से दूर करता है, अगर आपको पिंपल्स हो गए हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है और झुर्रियाँ जो हो जाती हैं उसको दूर करता है और ड्राई स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है ये। इसमें हमने दूध ऐड किया है तो उस दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो हमारी स्किन, जो डेड स्किन उसको एक्सफोलिएट करता है और हमारी स्किन को सुंदर और चमकदार बनाता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट करके स्किन के जो ड्राइनेस है उससे बचाता है। इसको अच्छे से मिक्स करके ये हमारा पैक रेडी है। तो अपने फेस को वॉश कर लीजिए, अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, उसके बाद इस पैक को पूरे फेस पर अप्लाई कीजिए। अगर आपको लगता है ये बहुत थोड़ा सा गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करके फिर से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से अपने पूरे फेस पर, नेक पर अप्लाई कीजिए। तो देखिए इसके बाद आपकी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोइंग होगी, आपकी स्किन को चमकदार बनाएगा। तो इसमें हमने बेसन ऐड किया है जो बहुत ही अच्छा क्लिंजर माना जाता है, ये हमारे कलर को ब्राइट करता है और जो हमारे को ऑयल आता है उसको भी हटाता है, ये डेड सेल्स को हटाता है, बहुत ही अच्छे स्क्रब की तरह काम करता है। अगर आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम है तो उससे भी छुटकारा दिलाता है। तो हमें इसको अच्छे से अप्लाई करना है पूरे फेस पर और उसके बाद हमें इसको 10 से 15 मिनट तक लगा के रखना है। जब ये सूख जाए तो उसके बाद हमें गुलाब जल लेना है और अपने फेस पर लगाना है, हल्के हल्के ऐसे मसाज करनी है। तो क्योंकि जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो उसके बाद आपको लेके अच्छे हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है और इसके बाद इसे वॉश कर लीजिए। उसके बाद आपको इसका इंस्टेंट ग्लो दिखेगा, आपकी स्किन एकदम शाइनी स्मूथ नज़र आएगी। इसे अप्लाई करने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो देखा आपने इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा आया है और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको इजीली घर में ही मिल जाएंगे। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।